तो गाइस हम पहुंच चुके हैं VIT भोपाल, ये उसका मेन गेट है और ये बाद में शूट कर रहा हूँ, मुझे पीछे से देख रहा है, देखो बाद में शूट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे याद नहीं रहा तो ये मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाएंगे और जाके कैंपस विजिट करेंगे, ठीक है। इतना बोलने की जरूरत नहीं थी, मैं भाई भूल गया यार, मैं 6 बज रहा है बट आपके हिसाब से मैं 3 बजे पहुंचा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज रहे हैं 10:45 सुबह के और मैं तो तैयार हूँ, पूरा रेडी हूँ और चिरी नहाने गया है एंड अभी हमें 11 बजे से पहले चेकआउट करना पड़ेगा वरना हमें एक और दिन का देना पड़ेगा पैसे जो कि हमें नहीं देना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से बस स्टैंड, ऑब्वियसली पैदल जाएंगे और बस स्टैंड से हम साहोर के लिए एक बस लेंगे अराउंड 60-65 रुपीस की होगी क्योंकि हमें VIT कॉलेज जाना है जो कि 62 किलोमीटर्स दूर है। कोई भी ट्रेन नहीं जाती है क्योंकि लोकल ट्रेन चलती नहीं है यहाँ पे, मेट्रो चलने वाली है अगले साल से, तो अभी हमारे पास में ऑप्शन ज़्यादा नहीं है तो बस पकड़ेंगे और बस से हम 1.5 घंटे में पहुँचेंगे साहोर और साहोर से फिर हम एक होटल करके वहाँ पे रुक के फिर हम VIT कॉलेज को विजिट करेंगे। तो ये आज का हमारा प्लान है और अगर हमारे पास टाइम बच गया तो हम फ्लैट भी ढूंढेंगे, हालांकि उसके लिए हमारे पास कल का दिन भी है बट स्टिल टाइम बचा तो हम इसे यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी तो बस मैं चेकआउट का वेट कर रहा हूँ, अभी चलते हैं और इसका चेकआउट करते हैं और मज़ा आएगा। ऑटो मिला है 11:30 बजे नादरा बस स्टैंड के लिए, तो शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग ऑटो है ये, तो अभी नादरा बस स्टैंड चलते हैं और वहाँ से बस पकड़ते हैं। बारिश लग चुकी है और 3.5 किलोमीटर उस ऑटो वाले ने हमको 10 रुपये में लाया। रेनकोट है, दिक्कत नहीं है, पर ये है ना यार बैग के घोड़े लग जाएंगे। रेन कवर है तेरे पास? हाँ रेन कवर है ना, फिर क्या दिक्कत है, रेन कवर भी है, रेन कवर भी है। तो अभी 10 रुपये में भाई इतनी सस्ती सिटी भाई मैंने नहीं देखी यार, मतलब प्रसन्न हो गए हम। चलो अभी देखते हैं, पानी रुकने का वेट करते हैं और फिर बस स्टैंड जाते हैं। ये गाइस पूरी भाजी है, मैंने लाइफ में आज तक पूरी भाजी के अंदर मैंने कभी बैगन नहीं देखे लाइफ में। 30 रुपये के पूरिया है भाई, टेस्ट करते हैं गाइस। ये पूरिया तो बैगन की सब्जी है, आलू बैगन है। यहाँ पे मिल रहा है 30 रुपए की पूरी भाजी, वो भी कितने 9 भाई, कुछ टाइम पर 10 बेचेंगे या इन्फ्लेशन विल्फ्लेशन कुछ पता नहीं है क्या इन लोगों को। चटनी डाल दो भाई, बना के दे रहे भाई अंकल, कितने का हो ले ले। टेस्ट तो बढ़िया लगा भाई, कितने का आप ये देखना है। ये वाली बस है, कोटरी जा रही है। चलो भाई ये बस में बैठते हैं अभी। ये जगह दिख रही है भाई, यही बैठते हैं। बस मिल गई है, 100 रुपये ले गई है और 100 रुपये इज़ नॉट बैड बिकॉज 62 किलोमीटर्स इज नॉट अ जोक। सो देखते यार, अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, अभी अर्शिल पूछने गया कि कितना टाइम लगेगा तो देखते हैं और ट्रिप के मज़े लेते हैं क्योंकि शायद ये आखिरी ट्रिप होगा हमारा साथ में, बिकॉज इसके बाद तो यार जॉब वाला सीन है, जितना उसे एंजॉय करते हैं और आपका जो काम करना है वो काम कंप्लीट करते हैं। ये पोहे मीठे भाई, MP वाले मीठे रहते हैं, केरला पोहे क्या, कोकन के, कोकन के। देखते भाई, मैंने ट्राई नहीं किया, मीठे तो मुझे एक्सपेक्टेड था और ये साथ में कुछ टर्री वर्री देते नहीं बिकॉज वो सिर्फ नागपुर में चलता है, नागपुर चलता है तो अभी से टेस्ट करते हैं भाई। 10 रुपये का है भाई ये, 10 रुपये का, नॉट बैड, 6 out of 10 समोसे भी, 7 ना, 7 समोसे भी खा नहीं सकते, कुछ भी नहीं बना दिया, कुछ कुछ मीठे ना टेस्ट है भाई। 10 रुपये में और क्या एक्सपेक्ट करते भाई, सेव भी डाल के दिया भाई। आधा घंटा लगेगा इतने निकलने में, आधे घंटे में निकलेगी जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। 2:30 बजे हम 2:30 बजे पहुँचेंगे और होटल ढूंढते फिर VIT के दर्शन करके आते। 2 hours later 2:15 हो रहे और सीहोर तक पहुँच चुके हैं, सीहोर के आगे निकले
30 किलोमीटर और है, पूरा क्राउडेड है भाई, पूरी बस क्राउडेड है। यहाँ पे लाल बस नहीं चलती, यहाँ ड्राइवर्स चलती है, और 100 रुपीस टिकट थी, तो और आधा घंटा लगेगा। अभी आधे घंटे बाद उतरेंगे, होटल ढूंढते फिर कॉलेज चल। ये देख रहे हैं आप, हाँ वही कुछ हॉस्टल्स वगैरह VIT के। बस से उतर चुके हैं हम, 2.5 घंटा लगा हमें 62 किलोमीटर कवर अप करने के लिए। बस तो इतनी भरी थी भाई, पूछो मत, नेक्स्ट लेवल भरी थी। और यहाँ आसपास कुछ दिख नहीं रहा है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, ये कुछ ज़्यादा छोटा गांव है, अति छोटा गांव है ये। कुछ 2-3 ऑप्शंस है हमारे पास में हॉस्टल को छोड़ के, तो वो देखेंगे, बट पहले कॉलेज को विजिट करके आते हैं। 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जब भी आओ साला चलना ही पड़ता है। कॉलेज कब स्टार्ट वगैरह होगा वो भी देखते हैं, थोड़ी सी बात करके देखते हैं उनसे। ये रहा गाइस VIT, यहाँ जाना है, देखते हैं। ये रहा रोड जो कि मुझे मूल की याद दिला रहा है, मूल गढ़चिरौली है ना, मूल है मूल गढ़चिरौली, इन सब की याद दिला रहा है मेरे को। ये डिजाइन के लिए लगा क्या प्लॉट होल्स, हर थोड़े थोड़े देर में प्लॉट होल्स है। आ चुका है VIT भोपाल, हालांकि इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई भोपाल लिखते हुए, बिकॉज भोपाल से 60 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। कुछ 1.5 किलोमीटर मेन रास्ते से अंदर आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कैंपस का एंट्रेंस, कुछ तो शॉप्स वगैरह भी है यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे विजिट करते, बात करके आते, उसके बाद देखते। ये है मेन एंट्रेंस, अभी हमें एंट्री करनी पड़ी और हमारी इंफॉर्मेशन ली हम क्या कर रहे हैं और क्यों आए, जो कि ऑब्वियस है। VIT की एम्बुलेंस भी है भाई, कूल कूल। ऐसा इन्होंने एक रूट बना रखा है जो धूप और पानी से बचाता है, और बारिश भी आ रही है तो काफी सही सीन लगा मेरे को, प्रैक्टिकल चीज है। तो इस साइड में कैंटीन और लैब है, और इस साइड में एडमिशन सेल है, तो हम एडमिशन काउंटर पे बात करके देखते। और ये है बैक व्यू, वेदर काफ़ी प्यारा हो गया भाई, थोड़ा वहाँ भी विजिट करेंगे वैसे हम, अभी यहाँ चलते हैं। फ्रेश भी हुए थे हम अभी, बिकॉज़ ऑब्वियसली इतना ट्रैवल किया हमने 2.5 घंटा, हालत ख़राब हो गई थी, पानी वगैरह भी आया, तो अभी थोड़ा सा क्लीन वीन किया है हमने, मुँह वगैरह धोया, तो अभी फ्रेश लग रहा है। बारिश भी आ गई तो और सुहागा हो गया भाई एकदम, क्या बोलते सुहाग पे सुहागा, सोने पे सुहागा भाई, सुहाग पे सुहागा। तो बस देखते हैं यार, अभी फॉलो करो, जाओ दिखाता आपको कैंपस। ये कुछ मॉडल्स वगैरह बनाए हैं, गर्ल्स हॉस्टल भाई, यहाँ चलना पड़ेगा भाई। चल 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 चल, आई गेस ये बिल्डिंग मेन है, यहाँ पे CSE के अंदर MCA आता है, और बाकी डिपार्टमेंट भी अवेलेबल है इसमें। एडमिशन करने के लिए ऑब्वियसली आपको एग्ज़ाम क्रैक करने पड़ेगी, VIT MEE क्रैक करोगे तो एडमिशन मिलेगी, उसके भी जो आपके मार्क्स होगे उस बेसिस पे आपको इंस्टीट्यूट लगेगा। एक भोपाल में है, एक वेल्लोर में है, और एक चेन्नई में है। भोपाल बोलते हैं बट भोपाल में नहीं है, चेन्नई बोलते हैं चेन्नई में नहीं है, और वेल्लोर का हमें खबर नहीं। ये है बिल्डिंग जहाँ पे पढ़ाई होती है, और वहीं पे ATM भी है। कुछ भी, जहाँ पे पढ़ाई होती है वहीं पे ATM भी है, वहीं पे बैंक भी है भाई। लिफ्ट तो बढ़िया है, 5 फ्लोर अवेलेबल है, और जितने भी क्लासेस होती है इंजीनियरिंग MCA चुप, बिल्कुल चुप। इंजीनियरिंग हो MCA सब यही होती है 5 फ्लोर्स में, फर्स्ट फ्लोर दबाया था शायद हमने, तो क्लासेस देखते क्लासेस कैसी होती है आगे। और ये ऊपर VIT उल्टा जाए रात में ग्लो करता है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ये मैथ स्टूडियो है, अच्छा ये स्टूडियो है, ये मैथ्स या मैथ्स क्लास होती है भाई, दिख भी वैसे ही रहता हूँ। शायद स्टाफ रूम है, ऐसा कुछ सीन है। और बाकी पूरा जो है और कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ है, हम दोनों घूम रहे बिना आईडी कार्ड के, और ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर जो एडमिशन करने आ रहा है उसको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, और आना भी चाहिए या नहीं, वर्थ इट है या नहीं। ये एक टाइप की क्लासेस है गाइस, ये ऑडिटोरियम टाइप 3 इडियट्स वाली। मेरा ये प्लान था कि कभी अच्छा रैंचोस हो गए, रैंचो नहीं था, राजू था, राजूस हो गया था यहाँ पे। हम एडमिशन करने हैं, हमें भी ऐसी क्लासेस दिखाई दी थी, बट जब हम करने गए तो हमको सादी क्लासेस मिली। एक हाथ बार बैठा हूँ मैं, जब
जब ज़रूरत थी तब बिठा दिए, बट नॉर्मली हमको सादी क्लासरूम में बिठाते थे। साले बहुत भेदभाव करते भाई, ऐसा नहीं कि MIT में ही करते, हर जगह जहाँ जहाँ MC होता है ना सबके साथ भेदभाव करते हैं, इज्जत ही नहीं है, गिनते ही नहीं। हमारा ओरिएंटेशन था, हमारा था MC और MBA का ओरिएंटेशन साथ में था, तो भाई बैनर में लिखा है जितने भी गेस्ट आ रहे सब लोग बोल रहे हैं वी आर हियर फॉर MBA, बोल रहे कि हम गाड़ में भाई इन लोगों को पता ही नहीं है, बताते नहीं है कि MC नाम की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं PCA के बाद हो गया जॉब मिल गई, यहाँ पे भी कुछ क्लासेस दिखाते हैं। यहाँ पे रूल था कि कोई भी लड़का लड़की का हाथ पकड़ के नहीं रह सकता, वरना उसे सस्पेंड या निकाल देंगे। या देख रहे हो गाइस, हाथ पकड़ना छोड़ो, बेंचो खिलाया जा रहा है बहन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भाई वो नंगा है भाई, फिर भी देखो ऐसी चीजें क्यों दिख जाती है भाई। अरे जंप मारा भाई, ओ भाई भाई गजब, ओए गाओ, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। है गाइस प्राइजेस, जिन लोगों को देखना है क्या प्राइजेस होते हैं उन लोगों के लिए, तो ये है कैंटीन गाइस, तो वहाँ से आपको कूपन लेना पड़ेगा, मेन्यू मैंने दिखा चुका हूँ। और यहाँ से आप अलग अलग बेकरी है, कॉन्टिनेंटल फूड है वो ले सकते हैं, और यहाँ बैठ के खा सकते हैं, तो ऐसी कुछ स्पेस है यहाँ पे। हमने ऑर्डर किया है पिंक सॉस पास्ता स्मॉल, जो कि 105 रुपये का है, और उनका टोकन देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑब्वियसली हर कैंटीन में वैसा ही होता है। अब वो बन रहा है, आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैंटीन का खाना होता कैसा है। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है खाने का, बिकॉज बाहर में तो ऐवी कुछ मीठे मीठे समोसे मिल रहे। तो ये है गाइज पिंक सॉस पास्ता जो हमने ऑर्डर किया 105 रुपये का, जो कि पिंक नहीं है। गुड गुड हो गया जी, 8 out of 10। जो देख रहे हो गाइस ये पूरा लैब कॉम्प्लेक्स है, आधा बन गया है आधा बन रहा है, और सही लग रहा है, मतलब दिखने में काफ़ी कूल है। और देखते अंदर जाने के लिए हमको परमिशन देते कि नहीं वो चेकआउट करते, बट ये कैंपस का एंड है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। हॉस्टल्स का देखते वो हम एक बार चेक करते, वार्डन से बात करते कि क्या बोलते। तो यहाँ पे कुछ ओवर अचीवर्स के फोटोज़ लगे हुए जिनसे हमारा कोई नाता नहीं है, बिकॉज सारे BTEC वाले, और हालांकि इनमें से कोई MCA वाला नहीं है। VIT भोपाल की बिल्डिंग। तो यही था हमारा ओवरव्यू इस कैंपस के बारे में, VIT भोपाल के। ले सकते हो एडमिशन, लेना है तो डिपेंड करता है कि आपका लक का है, ऑब्वियसली आप पेपर दोगे जहाँ लोगे, बट अगर भोपाल आओगे तो आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो है जो मैंने दिखाया उतना ही है, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो एक चीज़ चल रही है, बाकी जो ये वाली जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो यहीं पे क्लासेस होती है। एंड BTEC के लिए ऑब्वियसली एवरी वेलकम्स एंड प्लेसमेंट यहाँ होती है अच्छी, डिपेंड अपॉन यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कुछ अच्छे क्लिप्स रहेंगे तो हम शेयर कर देंगे। टिल देन गुड बाय, पीस आउट।